जो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर आज का, पेपर सेट आप देख सकते हैं सी है, तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको मैच करना पड़ेगा, अपने आंसर्स आप मैच करिए फटाफट बताइए। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा डिटेल में कोई आंसर ना बताएं, फटाफट आप अपने आंसर्स मैच करिए और बताइए कितना स्कोर आपका हो रहा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कट ऑफ आपकी कहाँ तक जा सकती है, और ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा लगता। ओके तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, फर्स्ट कहता है इज कॉल्ड द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, किसानों का दोस्त किसको कहा जाता है? तो ये होता है आपका सांप, चूँकि ये चूहे जैसे कुछ जो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले छोटे एनिमल्स हैं उनको खा जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका टू लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो होता है बृहस्पति या जुपिटर, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होता है थर्ड द लार्जेस्ट स्टीम, सॉरी द चेंज ऑफ स्टीम इन टू वाटर इज कॉल्ड, तो वाटर में देखिए स्टीम से जब हम जाएंगे तो ये कहलाएगा कंडेंसेशन या संघनन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है फोर आपका द मेन क्रॉप ऑफ झूम फार्मिंग, झूम फार्मिंग खास तौर पे ऐसी जगह पर होती है जहाँ पे लोग जंगलों में रहते हैं, आदिवासी समुदाय इसको करते हैं और एक जगह से काट करके जंगल को साफ कर देते हैं, फिर कुछ दिन खेती करते हैं, उसके बाद जब ज़मीन बेकार हो जाती है बंजर हो जाती है तो उसमें उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, फिर ऐसे ही करते आगे जाकर के जंगल ऐसे करके बर्बाद हो जाता है, इसको झूम की खेती कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा फसल जो होती है वो होती है राइस या चावल की या धान कह सकते हैं आप इसको। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आपका होगा फिफ्थ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो ये थे डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर। ओके उसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर सिक्स, रणथंभौर नेशनल पार्क की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजस्थान की बात होगी, यहीं पे यहाँ का किला है एक रणथंभौर के नाम से और ये पार्क भी वहीं पर है। उसके बाद नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ह्यूमन बींग की बात हो रही है यहाँ पर, जनरली ये 13.8 के आसपास से स्टार्ट होकर के, हम दोबारा लिख देते हैं 13.8 से स्टार्ट होकर 17.2 के आसपास होता है जो इसकी आइडियल पोजीशन मानी जाती है, उससे कम होता है तो हीमोग्लोबिन कम माना जाता है। ओके बट यहाँ पे आई थिंक कोई भी मैच सुटेबल नहीं है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे होना चाहिए वो शायद 12 से 16 के बीच में, डी ऑप्शन आपका मोस्ट करेक्ट है। देखिए जामिन क्या करता है आगे जा करके, एक दो सवाल तो ज़रूर ऐसे रहेंगे जो डाउटफुल रहेंगे जब तक आपका आंसर की ना आ जाए। उसके बाद आठवां देखिए, विच फूड आइटम कैन नॉट बी केप्ट फॉर 1 मंथ, जाहिर सी बात है ब्रेड हम ज़्यादा लंबा नहीं रख सकते, इस पर राइजोपस नाम का एक काला फंगस लग जाता है। ओके और जी ब्रेड या रोटी इसको कह सकते हैं। और नाइन्थ कहता है विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज नॉट मेड ऑफ वुड, जाहिर सी बात है जो बाजा होता है ना ट्रम्पलेट तुरही, तो वो जो है आपका वो स्टील का बना, सॉरी मेटल का बना होता है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। और नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 10, विच फेस्टिवल इज नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग, तो फार्मिंग से रिलेटेड देखिए बैसाखी वगैरह जो पंजाब में मनाते हैं लोहरी, ये तो जाहिर सी बात है कि फसल कटने पे और बोने पे इस तरह के इनके प्रोग्राम चलते हैं, और वसंत पंचमी भी कुछ इसी से रिलेटेड होता है, बट डी जो है वो इससे बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होता, ये हजरत ईसा से रिलेटेड होता क्रिसमस। ओके तो मज़ा भी त्यौहार है। 11वां देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क किसने फेमस है? वन हॉर्न राइनो के लिए, आगे याद करना, अगले साल ये भी पूछा जा सकता है, वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न एक सींग वाला गेंडा, एक सिंग वाला गेंडा। ओके वाला गेंडा तो आसाम है ये स्टेट जहाँ पे ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। 12वां सवाल देखिए, 12वां कहता है स्लीपिंग टाइम ऑफ जिराफ इज बहुत कम होता है, 2 घंटे ही सोकर के अपना काम चला देता है जिराफ। और उसके बाद 13 नंबर पे देखिए, 13 नंबर कहता है इन विच स्टेट इज भुज लोकेटेड, तो भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया था 2000 के आसपास, उसके लिए भी इसको जाना जाता है और ये गुजरात में है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, दांडी मार्च इज लेड बाय, तो महात्मा गांधी ने इसको लेड किया था, कब शुरू हुआ था, ये डेट पूछ लेगा अगली बार ध्यान रखिएगा, तो 12 मार्च 1930। ओके नमक कानून थोड़ा था ध्यान रखिएगा गांधी जी ने इसमें। उसके बाद 15 नंबर, डैश गिव्स इंस्टेंट एनर्जी, तो ये होता है आपका ग्लूकोज, इसलिए डॉक्टर सीधे आपको ग्लूकोज देता है क्योंकि ग्लूकोज सीधे ब्लड में जा सकता है, उसको हजम करने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसे में, फट से एनर्जी देता है आपको और बॉडी उसको यूज़ कर लेती है। 16 नंबर देखिए, सिल्क वॉर्म कैन फाइंड इट्स फीमेल बाय इट्स, कैसे पाता है भाई ये? तो ये पाता है आपका स्मेल से, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, गंध या स्मेल। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 17, विच डांस फॉर्म हैव मूवमेंट सिमिलर टू स्नेक मूवमेंट, कौन सा ऐसा डांस है जिसमें सांप की चाल की तरह से मूवमेंट होता है? तो ये होगा आपका कलबेलिया, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। अब आप ज़रा कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ पे होता है, ये मनाया जाता है डांसी वाला, मतलब कहाँ का फेमस डांस है कहने वाला ये। 18 देखिए, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मामिडी टांड्रा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 वीक्स। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर
विच पार्ट ऑफ सीड स्टोर द बेबी प्लांट, किस पार्ट में बीज किस प्लांट में शिशु पौधे को संग्रहित करता है, बीज का कौन सा भाग शिशु पौधे को संग्रहित करता है। ये होगा आपका पहला बीज पत्र, कॉटिलेडन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिड गांधी जी डू टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए गांधी ने क्या किया था, तो डांडी मार्च किया था, अभी अभी हम बात कर रहे थे। देखिए हम अगला क्वेश्चन आपको पहले ही बता दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आने वाले टाइम में आपको एग्जाम इस तरह का दे रहे हैं, एमयू का, बीएचयू का, या फिर जामिया का, या सैनिक स्कूल वगैरह का। ओके, डांडी मार्च ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हु बिल्ट द गोलकंडा फोर्ट, गोलकंडा फोर्ट किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था आपका कुतुबशाही डायनेस्टी ने, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, कुतुबशाही वंश हिंदी में। 20 नंबर दोबारा आ गया। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ द जंगल इन कुडुक लैंग्वेज, तो आपका आंसर है सी, तोरंग। बीच के सवाल कहाँ गए भाई, ओके जस्ट अ मोमेंट, ये सवाल छूट गया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्नेक्स आर पॉइजनस इन इंडिया, तो बेसिकली चार स्पीसीज की बात होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाना चाहिए। वैसे तो तकरीबन 300 सांप होते हैं टाइप्स की अगर हम बात करें, बट फोर स्पीसीज में वो डिवाइडेड हैं। ओके, इसलिए चार आंसर सही होना चाहिए। देखते हैं अब जामिया क्या करता है इसका। 23 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पहाड़ी डांस, इनमें से कौन सा पहाड़ी डांस नहीं है, तो डांडिया गुजरात का फेमस डांस है, जो कि आई थिंक सभी जगह पर होता है गुजरात में, चाहे पहाड़ी एरिया हो चाहे नॉन पहाड़ी एरिया हो, तो यही आंसर होना चाहिए। उसके बाद 24 हमने आपको बता ही दिया, 25 पे चलते हैं, हु डिस्कवर द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, तो ये थे आपके ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन ए करेक्ट है। मटर के फूलों पर बड़े प्रयोग किए थे इन्होंने, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे मटर फ्लोवर्स पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द डाइजेशन ऑफ फूड बिगन सीन, कहाँ पे शुरू होता है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये शुरू होता है आपका स्टोमक में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद अपन चलते हैं, डॉक्टर हैज एडवाइज सुहाना टू ईट स्प्राउट्स बिकॉज, क्यों कहा डॉक्टर ने, क्यों सलाह दी सुहाना को टू ईट स्प्राउट्स, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दे आर न्यूट्रिशियस। ओके, स्प्राउट आप जानते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, ये कहलाता है ह्यूमिडिटी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सपोर्ट्स बर्निंग, तो ऑक्सीजन सपोर्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहते हैं, ये बुझाती है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना, सवाल यहाँ से भी पूछा जा सकता है, बुझाती है, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में CO2 का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखिएगा। ओके, ऑक्सीजन गैस हमारे जलाने में काम आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में काम आती है। 30 नंबर, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन, तो जाहिर सी बात है नेपाल में है ये लोकेटेड, हमारा जो सबसे ऊंची चोटी है वो होती है K2, K2 कहाँ पे है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK में, यानी कि हमारा वो हिस्सा जिस पे पाकिस्तान का कब्जा है, कश्मीर का वो हिस्सा। ओके, 29 देखिए, अच्छा ये हम कर चुके हैं। ओके, 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू कश्मीर, कश्मीर से होकर कौन सी रिवर बहती है, गंगा यमुना तो नहीं बहती है, ब्यास भी नहीं बहती, तो झेलम होती है जो कि श्रीनगर से खुद होकर के जाती है। और 32 देखिए, द फर्स्ट मैन टू सेट फूट ऑन द मून वॉज, तो चांद पे कदम रखने वाला पहला आदमी कौन था, तो ये था आपका नील आर्मस्ट्रांग। ओके, अमेरिकन थे। उसके बाद 33, टाइम ऑफ एक्यूट फूड शॉर्टेज, कब होती है भाई एक्यूट फूड शॉर्टेज, फैमिन हो मतलब अकाल की हालत हो जाए तब। विच स्टेट इज फेमस फॉर चीरा डांस के लिए इनमें से कौन सा स्टेट फेमस है, तो ये है आपका मिजोरम। ओके, नेक्स्ट इज चीरा डांस, नेक्स्ट इज गिर फॉरेस्ट, तो गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है भाई, गिर का जंगल कहाँ पे है, तो गुजरात में, यहाँ पे स्टेटिक लाइन बहुत ज़्यादा होते हैं सबसे ज़्यादा तकरीबन, और इसीलिए ये फेमस भी है। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, द बार्क ऑफ विच प्लांट इज यूज टू मेक मेडिसिन फॉर मलेरिया, तो ये होता है सिंकोना प्लांट। ओके, और उसके बाद देखेंगे आप 37 नंबर, एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, क्या किसकी चीज़ की कमी से एनीमिया होता है, तो ये होता है आपका आयरन। ओके, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, लोहा या आयरन, एफ ई इसको कहते हैं, किससे दिखाते हैं, एफ ई इसका सिंबल होता है, ध्यान रखिएगा, मे बी नेक्स्ट टाइम आपसे यही सवाल पूछा जाए। उसके बाद ये 38, विच द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट स्प्रेड बाई मॉस्किटो, देखिए मैरास्मस प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग है ये, कोई और जानवर या वेक्टर नहीं फैलाता, जिनमें मक्खी या कोई मच्छर या और कोई इंसेक्ट
इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जो इंसेक्ट बीमारियाँ फैलाते हैं उनको वेक्टर भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, यही पूछा गया है हमसे। और उसके बाद बात कर लेते हैं 39 पूछा, तो फॉलोइंग इज सॉल्यूबल इन वाटर, कौन है इनमें सॉल्यूबल वाटर में है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, लम्स ऑफ शुगर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल यही होगा। वैसे तो चौक भी सॉल्यूबल होती है कुछ हद तक। कौन सा पानी में घुलनशील, ओके। वेट क्लॉथ ड्राई अप बिकॉज ऑफ, किस वजह से होता है ये, तो इवेपोरेशन की वजह से होता है, ओके। पानी भाप बनकर उड़ जाता है, 40 का पी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 41 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। कुछ पेजेस रिपीट हो गए, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। सीड ऑफ पी प्लांट इज डिस्पर्स बाय, पी प्लांट मटर के प्लांट के जो बीज हैं वो कौन डिस्पर्स करता है इधर से उधर, ओके। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एक्सप्लोजन, स्फोट। नेक्स्ट देखिए 42, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस मेक एन ऑब्जेक्ट कम डाउन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ऐसा क्यों होता है कि मतलब कौन सी फोर्सेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है कि हर एक चीज़ ज़मीन पे आना चाहती है, तो इट इज कॉल्ड ग्रेविटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए लेयर ऑफ सेडिमेंट इन वाटर, ये होता है आपका ऑयल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44, डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है डिजीज, उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है। उसके बाद 45 नंबर सवाल देखिए, डोनेटिंग ओल्ड टॉयज एंड बुक्स इज ए वे टू, तो वैसे तो रिड्यूस भी करने के लिए होता है, वेस्ट नहीं होती चीज़ें, आराम से यूज रीयूज भी होता है, ओके, और रिसाइकिल भी कह सकते हैं, बट आई थिंक मोस्ट सुटेबल इज रीयूज। लेट्स सी क्या जवाब देता है जामिया का, इसको थोड़ा सा डाउटफुल कह सकते हैं आप। 46, पोलियो इज डिजीज कॉज बाय, तो पोलियो का आपको पता है वायरल डिजीज है, वायरस से फैलती है और मिट्टी में इसका वायरस फैलता है, होता है, आप तो हालांकि इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। 47, रिकेट कॉज बाय द डेफिशिएंसी, रिकेट किसकी कमी से होती है, तो रिकेट आपका विटामिन डी की कमी से होने वाली एक डिजीज है, ओके। देन 48, आंट्स मूव इन ए लाइन बिकॉज ऑफ देयर सेंस ऑफ, किसका सेंस होता है इनको सबसे ज़्यादा, तो ये होता है स्मेल का सेंस, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, विच इज द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉन्गेस्ट पार्ट, लॉन्गेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तो ये होना चाहिए आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, 49 का आपका सी सही है, छोटी वाली आंत जो है हमारी वो सबसे बड़ा ऑर्गन होती है। 50 नंबर, मैंगोज कैन बी प्रिजर्व बाय, तो कूलिंग सबसे अच्छा मेथड है, इसे कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो लंबे टाइम तक आप आम को प्रिजर्व कर सकते हैं, अदरवाइज पिकलिंग भी एक ऑप्शन होता है। पॉस्चराइजेशन मिल्क के लिए काम आता है, यहाँ पे काम नहीं आएगा। 51, लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड, लेंथ ऑफ बाउंड्री क्या कराएगा, अभी बाउंड्री की लेंथ तो आपकी पैरीमीटर कराएगी बच्चे। और उसके बाद चलते हैं 52 पे, 52 कहता है आपका कि 101 को 11 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर पहला वाला आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, बेबी एलिफेंट ड्रिंक 12 लीटर ऑफ मिल्क इन ए डे, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क इट कैन ड्रिंक इन ए ईयर, तो 365 से 12 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3600 समथिंग, दो से ज़्यादा ही होना चाहिए, 3600 तो नहीं उससे भी ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है 4380 लीटर आपका आंसर होगा, हमने बगैर कैलकुलेशन के बताया, होपफुली ये आपका 100% सही आंसर है, ओके। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं अगर अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाए तो। 54 देखिए, हाउ मेनी एमएम विल बी इन 0.9 सेंटीमीटर, तो आप एक सेंटीमीटर कितने में होते हैं 10, तो 0.9 में आपके कितने हो जाएंगे जी, आप डिवाइड कर दोगे और आपको आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर होगा 55, इफ द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर कैरम बोर्ड इज इतने सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज, भाई स्क्वायर है तो जाहिर सी बात है उसका जो पैरामीटर होगा वो 4a के बराबर होगा, तो इसका मतलब ए को निकाल लोगे आप, 320 को 4 से डिवाइड करोगे तो 80 आ जाएगा, और 80 × 80 करके इसका आप एरिया निकाल सकते हो, तो 6400 हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 56 पे चलते हैं, 56 है आपका ये, द कॉस्ट ऑफ एग इज इतने रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 2.5 डजन ऑफ एग्स, ऐसा करते हैं अब फटाफट आंसर बताते हैं आपको, जो कि डिटेल में जाएंगे तो ये मैथ्स के सवाल है, बहुत लंबा वीडियो खींच जाएगा, एक दो दिन बाद आपको डिटेल वीडियो बना देंगे ट्रिक के साथ, आप उनको देख सकते हैं। 56 का फिलहाल आप आंसर नोट करिए, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका, 195 रुपये।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 57 विच इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल कौन है, तो आप डिवाइड करके देख सकते हो, तीनों को सबको ऐड करो और 3 का टेबल पढ़ दो। आप आसानी से वैसे भी 3 का टेबल पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आसान सा सवाल, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, बी, ओ सॉरी बी। ओके नेक्स्ट इज एक और बेहद आसान सवाल है ये आपका, राइट द कॉमन फैक्टर फॉर 5 एंड 7, तो ये होगा आपका 35। और उसके बाद 59 पे चलिए, देखिए 59 कहता है सोनू वांटेड टू डिवाइड इतने रुपीज़ अमंग ऑल हिज फोर फ्रेंड्स, ऑल हिज फोर सन सॉरी, हाउ मच मनी ईच वन ऑफ देम विल गेट। तो 4 से डिवाइड कर दो बच्चे, 4 से डिवाइड करोगे आपका तो ये आंसर हो जाएगा 4 7 28 और 0 और 4 9 7 0 9, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर होगा 60, और 60 का कौन सी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, तो यहाँ पे आपका आंसर पहला वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद 61 पे चलते हैं, 61 का क्या है 61 सवाल, व्हाट विल बी द प्रीडिसेसर ऑफ इतने, इसका प्रीडिसेसर क्या होगा, तो आपको बाकी सब चीज़ तो रहने दीजिए, 4099 होना चाहिए, 4099 सॉरी 005 के बाद 00999 तीन बार होना चाहिए 4 के बाद, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 62 62 कहता है आपका मिस्टर राजेश बॉट ए कार फॉर इतने रुपीज़, आंसर देखिए बस सीधे सी ऑप्शन यहाँ पे भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 63, तो ये है आपका, इसको आपने बदलना है रोमन नंबर से, सॉरी रोमन नंबर है ये, अच्छे प्लस करके लिखना, तो नेक्स्ट रोमन नंबर क्या आएगा एज रिजल्ट, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर होगा आपका 64, आपका आंसर हो जाएगा डी 2199। और आगे चलते हैं बगैर पढ़े आंसर करेंगे सवालों का, 1/3 ऑफ ए डे इज हाउ मच टाइम, तो 8 आवर्स होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 66 पे, 66 का ये रहा सवाल आपके पास, इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ 3/5 इज, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 67 67, और ऑप्शन यहाँ पे आपका होगा डी 20x। उसके बाद 68 पे चलते हैं, 68 में देखिए आपका आंसर क्या होने वाला है, 67 चाहिए 68 का आपका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और 69 पे देखिए एक्सप्रेस इतने मीटर, तो 0.9 यानी कि 900 मीटर, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 70 का भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 71 देखिए क्या कहता है ये, 71 100 लाख इज कॉल्ड, ऑप्शन ए करेक्ट 1 करोड़। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं 72 इज द स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन, कौन सा होता है भाई स्मॉलेस्ट रेगुलर पॉलीगॉन की बात हो रही है, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। उसके बाद 73 पे चलते हैं, 73 आपका ये रहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सीधे आंसर करेंगे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 35 सेंटीमीटर। उसके बाद 74 विच इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की प्लेस वैल्यू आपकी होगी यहाँ पे 5000। ओके 75 देखिए, 75 कहता है कंपेयर द फ्रैक्शन दिस एंड दिस, इसको फ्रैक्शन को आप कंपेयर करिए, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि 2/3 इज ग्रेटर देन 5/9। ओके और उसके बाद 76 कहता है इट इज़ एन ऑनर टू मीट यू, 76 का ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। और नेक्स्ट देखिए 77 ही रॉट ए लेटर टू हिज फादर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 78 देखिए वी वॉच आवर फेवरेट प्रोग्राम एवरी डे इन द इवनिंग, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 79 व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन ऑफ कैटल, तो कैटल तो भाई कैटल ही रहेगा, सॉरी हाँ कैटल को हम क्या कहेंगे, हर्ड, इट इज हर्ड ओनली। ओके नेक्स्ट इज यू कैन ईदर सिट अप और सिट डाउन, क्या कहेंगे हम इसमें, तो यहाँ पे और लगाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मदर, मदर के आगे क्या लगाएंगे भाई, देखो सुटेबल इज कुकिंग फूड, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस, इज कुकिंग फूड, यस। ओके नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर है 82, इट इज वेरी सैड न्यूज, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, तो ये होगा आपका एक्सेलरेटेड सेंटेंस। उसके बाद आई सॉ ए क्या कहेंगे, फ्लीट ऑफ कार्स ऑन द रोड, यस, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर होगा 84, द गर्ल आई मेट यस्टरडे इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका बेस्ट ऑप्शन होगा बी, हुम। 85 देखिए, 85 का आपका सी करेक्ट है जाएगा।
और 86 शी वॉक्स एज इफ शी वर ए क्वीन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87। फाइंड आउट द एडवर्ब वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सी। ओके नेक्स्ट इस क्वेश्चन में 88 द सिनोनिम फॉर फ्यूरियस। फ्यूरियस के लिए सिनोनिम क्या होगा, तो ये होगा आपका एंग्री। उसके बाद डोंट लीड हिम, मिस लीड हिम। ओके तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए 89 का। ओके नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 90। ही डू हिज वर्क, डज होना चाहिए, ही डज हिज वर्क वेल। ओके तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 91। आइडेंटिफाई द एब्स्ट्रैक्ट नाउन अमंग द फॉलोइंग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से कौन सा होगा, तो ये होगा आपका पहला वाला एंगर। नेक्स्ट देखिए चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में से क्या होगा, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस या गैंग ऑफ म्यूजिशियंस, क्या वर्ड हम यूज़ करेंगे, तो ये होगा बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके उसके बाद 93 कंपेरेटिव डिग्री ऑफ ब्राइट। ओके ब्राइट ब्राइटेस्ट ब्राइटेस्ट ब्राइटर ब्राइटेस्ट होगा, तो कंपेरेटिव सुपरलेटिव। ओके तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ब्राइटर। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 94 द एंटोनिम ऑफ इनोसेंट। इनोसेंट का एंटोनिम क्या होगा, इनोसेंट मतलब मासूम, तो गिल्टी होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 95 द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अमेजिंग। अमेजिंग का सिनोनिम वंडरफुल होना चाहिए। ओके नेक्स्ट गिव मी ए वन रुपी नोट। ए वन रुपी नोट अच्छा सेंटेंस है ये। ओके ध्यान रखना 97 देखेंगे। 97 कहता है स्वामी इज एन ए स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर इन हिज टीम। स्वामी इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट, इज द स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, 97 का सी होगा। ओके और आगे बढ़ेंगे आप 98 पे चलिए। चूज द ऑड वन आउट एक्साइटेड फ्राइटेंड अफ्रेड स्केयर्ड, तो भाई ये तो एक्साइटेड होना चाहिए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 99 देखिए विच इज ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे आपका दोज होगा। और 100 पे देखिए द पर्सनल प्रोनाउन योर इज यूज फॉर, योर इज यूज फॉर सेकंड पर्सन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके सेकंड पर्सन होता है ये। तो इस तरह से हमने पूरे 100 सवालों के जवाब आपको दे दिए, बहुत जल्दी जल्दी दिए, इसलिए हो सकता है कुछ गलत भी हो गया, एक दो सवाल लेकिन से ज़्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है। डिटेल सॉल्यूशन विद ट्रिक्स आप देखेंगे इसके बाद, और आप कमेंट करके बताइए कितना स्कोर आपका हुआ है, कितने क्वेश्चंस आप करके आए हैं, और अल्टीमेटली क्या उम्मीद है आपको, कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे। ओके तो उसके बाद हम कमेंट करेंगे, सॉरी दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको कि आपकी कट ऑफ रह सकती है, पिछले साल की कट ऑफ क्या रही थी वगैरह वगैरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।